हमारा ये इंडिया का स्पोर्ट अब अपने 10वें सीजन में प्रवेश करने जा रहा है और इनफैक्ट प्रवेश कर चुका है। प्रो कबड्डी के 10वें सीजन का ऑक्शन हो चुका है, नई टीम्स बढ़ चुकी है, तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि इन नई टीम्स की क्या होने वाली है मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग सेवन। सभी 12 की 12 टीम्स के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टार्टिंग सेवन की बात कर रहे हैं, इसके बाद टीम एनालिसिस सीरीज भी शुरू होगी इस चैनल पे, जिसमें हम हर एक टीम के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लेट्स स्टार्ट। बंगाल वॉरियर्स के सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं FPM के जरिए वापस बुलाए गए मनिंदर सिंह, और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होने वाले हैं श्रीकांत यादव और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं सुयोग गायकर। एंड आई नो आप में से कई सारे लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि टीम में असलम थाम्बी है, प्रशांत कुमार भी है, यस वो भी है, लेकिन आई थिंक कि सुयोग गायकर के होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं वैभव गर्जे और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं श्रेयस उम्बरदांडे। एंड द थिंग इज कि बंगाल वॉरियर्स के पास प्योर लेफ्ट कवर डिफेंडर सिर्फ यही एक ही है, बाकी सब ऑलराउंडर्स है, लेकिन प्योर लेफ्ट कवर डिफेंडर सिर्फ ये एक ही है। कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं शुभम शिंदे और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं ऑलराउंडर नितिन रावल। इन सब के अलावा बंगाल वॉरियर्स के सारे प्लेयर्स की लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बेंगलुरु बुल्स के सेंटर में होने वाले टीम के स्टार रेडर भरत, और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होने वाले हैं विकास खंडोला और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं नीरज नरवाल। अब डिफेंस की बात करें, डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट कवर पे होने वाले हैं सुरजीत सिंह और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं विशाल लाथर। और फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं सौरभ नांदल और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं अमन। इन सब के अलावा टीम में अभिषेक सिंह और रन सिंह जैसे प्लेयर्स भी शामिल है। सारे प्लेयर्स की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। दबंग दिल्ली के सेंटर में हमें दिखाई देने वाले दबंग दिल्ली की आन बान शान और पहचान नवीन कुमार एक्सप्रेस, और उनका साथ देते हुए मंजीत और आशु मलिक भी साथ में होंगे। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं बाला साहेब शाहजी यादव और लेफ्ट कवर पे प्रॉबेबली होने वाले हैं हिम्मत अली। अब यहाँ पर सीन ऐसा है कि लेफ्ट कवर पे खेलने के लिए कोई एकदम बड़ा नाम नहीं है, तो हमें इन नए प्लेयर्स पर ही अनुमान लगाना पड़ेगा। डिफेंस की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं सुनील और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं विशाल भारद्वाज। इन सब के अलावा टीम में मीतू शर्मा भी शामिल है। सारे प्लेयर्स की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। गुजरात जायंट्स के सेंटर में होने वाले टीम के अगेंस्ट स्टार रेडर HS राकेश, और उनका साथ देते हुए ईरानियन सुपरस्टार मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष भी इस बार गुजरात जायंट्स का हिस्सा है, और थर्ड रेडर के तौर पे हमें प्रतीक दैया दिख सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे हमें दिखने वाले हैं सौरभ गुलिया। अब टीम में रवि कुमार भी शामिल है, लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो सौरभ गुलिया के दिखने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेफ्ट कवर पे हमें दिखाई देने वाले अगेन अरखम शेख। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो पुनेरी पल्टन के कॉर्नर्स अब गुजरात जायंट्स में आ चुके हैं। पुनेरी पल्टन के दो कॉर्नर्स यानी राइट कॉर्नर सोमवीर और लेफ्ट कॉर्नर पे सुल्तान फजल अतराचली, जो कि प्रोबेबली इस टीम के कैप्टन भी हो सकते हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग कॉर्नर्स हमें गुजरात जायंट्स की कॉर्नर की गद्दी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। गुजरात जायंट्स के सभी प्लेयर्स की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आप चाहो तो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। हरियाणा स्टीलर्स के सेंटर पे होने वाले हैं द बाहुबली सिद्धार्थ देसाई, और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे चंद्रन रंजीत और के प्रपंजन। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस पे अगेन हमें वही पुराना कॉम्बो दिखाई देने वाला है, यानी मोहित और जयदीप का कॉम्बो, दोनों राइट कवर और लेफ्ट कवर की गद्दी संभालने वाले हैं। राइट कॉर्नर की बात करें तो वहां पर राहुल सेतपाल दिखने वाले हैं। अब राहुल सेतपाल दरअसल कैटेगरी सी के डिफेंडर है, यानी उनकी शुरुआती कीमत 13 लाख होने वाली थी और ये बोली बढ़ते बढ़ते 40 लाख तक पहुंच गई थी, यानी कुछ तो देखा है टीम ने इनके अंदर। बंदे में पोटेंशियल है जो कि टीम ने परखा है, और इस पोटेंशियल को देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और रही बात लेफ्ट कॉर्नर की, तो वहां पर हमें दिखाई दे सकते हैं मोहित, यस मोहित को इस बार चांस मिल सकता है। इन सब के अलावा प्लेयर्स की सारी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, और चाहो तो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम लास्ट टाइम की तरह पूरी की पूरी वैसी ही है। अपने स्ट्रॉन्ग रिटेंशन की वजह से उन्हें ज्यादा प्लेयर्स बदलने ही नहीं पड़े। जयपुर पिंक पैंथर्स के सेंटर में भी दिखाई देने वाले हैं अर्जुन देशवाल, और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे वी अजीत कुमार और भवानी राजपूत। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं सुनील कुमार और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं रेजा मिर्बागेरी। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं शाहुल कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं अंकुश राठी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे ही देता हूँ, कई लोग सोच रहे थे राहुल चौधरी कहाँ है, राहुल चौधरी यहाँ है। राहुल चौधरी इस सीजन भी जयपुर पिंक पैंथर्स की इस टीम का हिस्सा होने वाले हैं, और उनके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स की टीम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो।
पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स के सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं सचिन तनवर और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे मंजीत, जी हाँ हरियाणा स्टीलर्स के मंजीत, और साथ में होने वाले हैं राकेश नरवाल। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल कैप्टन नीरज कुमार और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं मनीष। अब पिछले सीजन ऐसा हुआ था कि शुरुआती मैचेस में मनीष की जगह वहां पे साजन चंद्रशेखर खेलते थे, लेकिन फिर मनीष आने लगे, फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए गए, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि शुरुआत में वो मनीष के साथ ट्राई करेंगे। एंड फाइनली तो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं कृष्ण धूल और लेफ्ट कॉर्नर पे प्रॉबेबली होने वाले हैं नवीन शर्मा। अब एक बात मैं यहीं पे कन्फेस कर देता हूँ कि लेफ्ट कॉर्नर का मेरा अनुमान शायद से रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर पे मोस्टली नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो नवीन शर्मा भी काफी नया फेज है प्रो कबड्डी के लिए। सो मैं नहीं जानता कि कितने सारे डिफेंडर्स लेफ्ट कॉर्नर पे खेल सकते हैं, सो लेफ्ट कॉर्नर वाली पोजिशन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। इन सब के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और चाहो तो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। पुनेरी पल्टन अगेन एक और ऐसी टीम जिनके स्ट्रॉन्ग रिटेंशन की वजह से ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो खतरनाक है, अभी पता चल जाएगा क्यों। पहले तो रेडर्स की बात करें तो तीन रेडर्स इस टीम के फिक्स है, असलम इनामदार और उनका साथ देते हुए मोहित गोयत और आकाश शिंदे, एंड डोंट फॉरगेट पंकज मोहिते भी टीम में है। डिफेंस की बात करें तो अगेन वही कवर का डुओ अभिनेश नादराजन और संकेत सावन का डुओ हमें दिखाई देने वाला है। अब कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे सोमवीर खेला करते थे, लेकिन अभी वो नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में गौरव खत्री होंगे, और लेफ्ट कॉर्नर पे फजल अत्राचली खेला करते थे, ईरानियन प्लेयर, अब वो नहीं है तो उनकी जगह लेने के लिए एक और ईरानियन प्लेयर आए हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि वो है मोहम्मद रेजा चियाने शादलू। काफी 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 स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है ये पुनेरी पल्टन की, लेकिन रुकिए, इस बार मैं अपनी बेट इस वीडियो में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पहले मैं सारी टीम का एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस के बाद ही मैं बताऊंगा कि मेरी इस सीजन की बेट किस पर है, वरना आप लोग ही मुझे पनौती कहते हो। वेल, इनके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और चाहो तो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। तमिल थलाइवास के सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं नरेंद्र खंडोला और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे अजिंक्य पवार और हिमांशु। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस तो बिल्कुल भी बदला नहीं है, जैसा पुराना डिफेंस था वैसा ही यहां पर डिफेंस है। कवर्स पे कवर की जोड़ी एम अभिषेक और मोहित दिखाई देने वाले हैं, और कॉर्नर्स पे अगेन सागर और साहिल दिखाई देने वाले हैं। ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं टीम में, इनफैक्ट कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं स्टार्टिंग सेवन में, वैसी की वैसी ही है, गुड टू गो। इन सब के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और चाहो तो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। तेलुगु टाइटंस ने हमें सबसे बड़ा झटका दे दिया इस सीजन में, जहां पर उन्होंने सबसे महंगे खिलाड़ी पवन कुमार सहरावत को और भी महंगी कीमत पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब यहां पर हुआ ये कि तेलुगु टाइटंस का बजट था 3,44,00,000 का, जिसमें से 2,60,50,000 इतनी बड़ी रकम उन्होंने पवन कुमार सहरावत को लेने में खर्च कर दी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तेलुगु टाइटंस ने अपनी ऑलमोस्ट सारी टीम रिलीज कर दी है, तो इसलिए उन्हें पूरी टीम को फिर से बनाना है, और 44,00,000 में जाहिर सी बात है कि ज्यादा बड़े प्लेयर्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए तेलुगु टाइटंस में कई सारे नए नए प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग सेवन की बात करें तो ऑफकोर्स पवन कुमार सहरावत तो स्टार्टिंग सेवन में होंगे ही, और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होने वाले हैं रजनीश दलाल और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं विनय। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं नितिन और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं परवेश भैसवाल। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होंगे शंकर गडाई को कम मत समझना, आप कभी यूट्यूब पे जाके शंकर गडाई के जो लोकल मैचेस होते हैं वो देखना और उनके बैक होल्ड्स देखना, क्या जबरदस्त पकड़ है उनकी। वेयर एज लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं अंकित। इन सब के अलावा सारे प्लेयर्स की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और चाहो तो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। यू मुंबा के सेंटर में फिर एक बार हमें दिखाई देने वाले हैं गुमान सिंह और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे आमिर मोहम्मद, जफर दनिश और अली रेजा मिर्जाई। अब शायद आपके मन में सवाल आ सकता है कि टीम में प्रणय राणे हैं, हैदर अली इकरामी है, जय भगवंत है, तो इन सब के होते हुए भी क्या ये दोनों रेडर्स हमें स्टार्टिंग सेवन में दिखाई देंगे? यस, इनफैक्ट जब ये ऑक्शन हो गया था तब यू मुंबा की सीईओ सोहिल चनहोक हमारे सामने आए थे इंस्टाग्राम पर, जहां पर उन्होंने रिवील किया कि इन दोनों प्लेयर्स पर उनकी खास नजर थी, स्पेशली जफर दनिश पे, क्योंकि ये ईरानियन कबड्डी टीम में रह चुके हैं और यू मुंबा के कोच कौन है? ईरानियन कबड्डी टीम के कोच गुलाम रेजा मजंदरानी साहब। जफर दनिश पर उनकी पूरी निगाहें थी, अली रेजा पे पूरी निगाहें थी, और अब सिंस दोनों उन्हें मिल चुके हैं तो ये दोनों तो स्टार्टिंग सेवन में होने के चांसेस काफी ज्यादा है, और अगर मान लेते कि इनमें से कोई नहीं चला तो फिर हो सकता है कि मुंबा फिर एक बार स्विच कर ले प्रणय राणे, जय भगवंत और हैदर अली इकरामी पे। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं सुरेंदर सिंह और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं महेंद्र सिंह।
एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होंगे रिंकू और लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे गिरीश अर्नाक। पूरे प्लेयर्स की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। विच फाइनली ब्रिंग्स अस टू यूपी योद्धास। यूपी योद्धास के सेंटर में फिर एक बार हमें दिखाई देने वाले हैं प्रदीप नरवाल और उनका साथ देते हुए सुरिंदर गिल भी टीम में है और इस बार इन दोनों का साथ देते हुए थर्ड रेडर के तौर पे विजय मलिक भी टीम में आए हैं। रेडिंग डिपार्टमेंट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे वंस अगेन हमें आशु सिंह दिखाई देंगे। अब लेफ्ट कवर की पोजीशन खाली थी तो वहां पर उसे फुलफिल करने के लिए यू मुंबई से मंगवाए गए हैं हरेंद्र कुमार। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो अगेन यहां पे कॉर्नर्स में कोई चेंजेस नहीं है। राइट कॉर्नर पे दिखाई देने वाले हैं नितेश कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाई देने वाले हैं सुमित सांगवान। सारे प्लेयर्स की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और चाहो तो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। सो बस ये थे सारे टीम्स की मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग सेवन। इसके बाद हम टीम एनालिसिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम हर एक टीम के सारे प्लेयर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से टीम बनी हुई है, क्या अप्रोच होगा, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड यस, मैं जानता हूं आप सब इंतजार कर रहे हो कि मैं कौन सी टीम के ऊपर इस बार बेट लगाऊंगा। सोच समझ के लगाऊंगा, ये टीम एनालिसिस सीरीज में ही मैं किसी टीम पे बेट लगाऊंगा। इस बार कोई रिस्क चाहिए ही नहीं। सो बस आप बने रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए कबड्डी के लिए, मेरे लिए, और बस प्यार बरसाते रहिए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर टीम एनालिसिस सीरीज मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी स्टार्स की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्या बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस बार जोश में आके किसी टीम पे बैट नहीं लगाऊंगा, पूरा सोच समझ के ही लगाऊंगा।